और आज का दिन मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खास रहा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ यानी कि 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके साथ ही 56,00,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 341 करोड़ की पेंशन और अन्य आर्थिक सहायताओं का भुगतान। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में दूसरा भोपाल में चलता है। और हमारी पांचवी बहन ज्योति, आपसे भी अनुरोध। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो आपने लिए अगर आप अपने आप के लिए सहमत हो तो बताओ कैसे बनाओगे जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार। और अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी गारंटी के लिए मोदी का नाम ही काफी है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी ये कहते थे कि काश उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता। सुनिए। मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है। दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और बगल का पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक देश में काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वो अपने देश के लोगों में लानत मारते। और सीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार योजनाओं की राशि दे रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। ये पहले कह रहे थे कि पैसा नहीं मिल सकता और उन्होंने आगे भी कहा कि कांग्रेस अच्छे से सुन ले कि बीजेपी सरकार ये राशि आगे भी देती रहेगी। सरकार राशि कांग्रेस के लोग क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे आपकी देरी अगली बार नहीं देंगे। मैं तुम उम्मीद में बैठा हूँ, हर बार देते रहेंगे, तुम्हारा पेट में ऐसी दुखता रहेगा, तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों को ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास हो तो अपन तो उसको क्या कह सकते, लेकिन जिसका हक है उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और अब जिक्र करेंगे भिंड का, जहां नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार पहुंचे, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के आवास पर जाकर मुलाकात की है।